हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल फैक्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। महाभारत की वीडियो में हम तीन लकी पर्संस के बारे में बात करते हैं, तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। रॉयस तो एडोल्फ सैक्स, संगीत वाद्ययंत्र सैक्सोफोन के आविष्कार एडोल्फ सैक्स का बचपन भयानक दुर्घटनाओं से भरा हुआ था। एंटोनी जोसेफ सैक्स का जन्म 6 नवंबर 1814 को हुआ था। उनका नाम एंटोनी जोसेफ था, लेकिन उन्हें बचपन से ही एडोल्फ कहा जाता था। एडोल्फ सैक्स को कई बार मौत का सामना करना पड़ा। बचपन में वह 3 मंजिला इमारत से गिर गए थे। पत्थर से सिर टकराने के कारण उन्हें मृत मान लिया गया था। उन्होंने 3 साल की उम्र में एसिड को दूध समझकर पी लिया था और एक पिन निगल लिया था। वह बारूद के विस्फोट से गंभीर रूप से जल गए थे। एक बार एक गर्म लोहे के फ्राइंग पैन में गिर गए थे। बचपन में कई बार जहरीले केमिकल के धुएं से मरते मरते बचे। एक बार एडोल्फ सैक्स सिर पर पत्थर लगने से नदी में गिर गए और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। उनकी माँ का कहना था, यह दुर्भाग्यशाली बच्चा है, वह जीवित नहीं रहेगा। उनके पड़ोसी ने छोटा सैक्स भूत कहते थे, लेकिन एडोल्फ सैक्स दुर्भाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति थे। इतनी आपदाओं के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनकी माँ की बात गलत साबित हुई और वे 79 साल तक जीवित रहे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना।